पेट्रोल और गैस के बाद आवाम को बिजली का झटका, सार्फिन पर 5 अरब 2 करोड़ का बोझ डाल दिया गया। नेप्रा ने बिजली की कीमत में 81 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया नेप्रा हुक्काम। गरीब के लिए सस्ता इलाज भी महंगा, हुकूमत ने अद्वियात 15% महंगी कर दी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अद्वियात की कीमतें 100% बढ़ा दी। कीमतों में 100% इजाफा हाईकोर्ट में चैलेंज। आवाम पहले ही महंगाई के सुनामी में बह रही है, कीमतें कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी। दरख्वास्त का मतल, कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, इजाफा कल अदम करार देने की इस्तदा। इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा। महंगाई से तालीम की रोशनी भी तारीख होने का खदशा, दरसी कुतुब की कीमतों में 16% इजाफा कर दिया गया। मुफ्त किताबों की फराहमी का अमल सुस्त रवि का शिकार। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की शाया करदा किताबें मार्केट ना पहुंच सकी। वालदैन और बच्चे सस्ती किताबों की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। डॉलर की गैर यकीनी सूरत हाल, सराफा मार्केट भी क्रैश कर गई। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रवां हफ्ते सोना मजमुई तौर पर 2000 रुपये फी तोला महंगा। 24 के रात सोने की कीमत 73,300 रुपये हो गई। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी मुसलसल इजाफा, 2 रोज में 21 रुपये फी किलो महंगा। कीमत 244 रुपये फी किलो हो गई। पक्की नौकरी दो, महंगाई के मुताबिक तनख्वाहें भी बढ़ाओ। सरकारी मुलाजमीन भी मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली और तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान वापडा पैगाम यूनियन का दूसरे दिन भी वापडा हाउस के बाहर धरना। अलाउंस बढ़ाने और हाउस रिक्वजिशन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की भी एहतजाजी रैली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान इमरान खान के हाथों में गैर महफूज। नए पाकिस्तान में गरीबों के लिए आहों और सिसकियों के अलावा कुछ भी नहीं। वजीर खजाना खुद कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। गैर जिम्मेदाराना बयान पर असद उमर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं कि हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया। गरीब अद्वियात न मिलने से मर रहे हैं। आलूदा पानी के ट्रीटमेंट का मंसूबा, पंजाब हुकूमत की अनोखी मंतक। एक मंसूबे की अराजी डी नोटिफाई करके दूसरे के नाम पर मुंतकिल। रिवर रावी प्रोजेक्ट की अराजी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मुख्तस कर दी गई। रावी के मकाम पर 315 एकड़ अराजी को वेस्ट वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की आला सतह इजलास में अहम फैसले। इन्वेस्टिगेशन जो है ये बहुत ही अहम शोभा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ एडिशनल आईजी साहब बैठे वो महसूस ना करें तो हमारे 99.9% जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है और इनएडमिसिबल और एडमिसिबल एविडेंस पे क्या फर्क होता है। 99% पुलिस अफसरान को तो मालूम ही नहीं कि तफ्तीश कैसे की जाती है। इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी मकसद शवाहिद को जमा करना है। इन्वेस्टिगेशन में राय की कोई अहमियत नहीं होती। तफ्तीशी अफसर सप्लीमेंट्री बयान दर्ज करने की बजाय शनाख्त करें। साफ और शफाफ तफ्तीश होगी तो मुलजिम सजा से नहीं बच सकेगा। इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम अहमद खान का जजेस की तरबियती वर्कशॉप से खिताब। पुलिस अफसरान की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत। अब लोग पुलिस की शिकायत नहीं तारीफ करेंगे। कोशिश है आवाम को घर की दहलीज पर सहूलियात दें। अब शरीफ शहरी थाने जाने से घबराएगा नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी के लिए सिफारिश की जरूरत नहीं। तहसील की सतह पर भी खिदमत मराकज कायम करेंगे। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का पुलिस खिदमत मराकज के हवाले से तकरीब से खिताब। सेक्रेटरी लाहौर बार के खिलाफ अंदराजे मुकदमे का मामला। वकला ने एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर दिया। कल पुलिस के खिलाफ रैली और आईजी ऑफिस के घेराव का ऐलान।
ऐवान अदल बार रूम में मजम्मत इजलास पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। डीआईजी ऑपरेशंस की भी वकला को मनाने की कोशिश। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट से मुलाकात, एहतजाज से मुतालिक बातचीत की। हड़ताल के बाईस तीसरे रोज भी अदालतों में काम ठप रहा। वकला की अदम पेशी से 15,000 से जायद केसेस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। शहर में उधम मचाने वाले 300 डाकू लाहौर पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन गए। टॉप 300 डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम, पुलिस की तैयार करदा फहरिस्त लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। एसएसपी ऑपरेशंस मुस्तनसर फिरोज कहते हैं, डकैती की वारदातें करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सानिया मॉडल टाउन की नई जीआईटी की तश्कील नो के खिलाफ दरखास्तों पर समात। एडवोकेट जनरल का अदालत में जमा कराया गया मुआफीनामा मुस्तरद। बेहतर है कि आप अपने तहरीरी जवाब को वापस ले लें। अदालत की अहमद अवैस को हदायत, गैर मशरूत मुआफी पर मबनी जवाब जमा करवाने का हुक्म भी जारी। इदारों की इज्जत के लिए अपने ऑर्डर में बहुत कुछ नहीं लिखा, जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। हमेशा अतिया का एहतराम किया, तोहीन का सोच भी नहीं सकता, अहमद अवैस का जवाब। फुल बेंच ने समाप्त कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा ब्रादरान के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी। तफ्तीशी मुकदमा किधर है, तहकीकात का क्या बना, कोई वाले वारिस है भी नैब का या नहीं। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में जज जवादुल हसन के नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। जी रिपोर्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुकी, जल्द अदालत पेश करेंगे नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। अदालत का मुलजमान को 18 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के बाहर इजहारे यकजहती के लिए कारकुनों की नारेबाजी। नैब कोर्ट दाखिल होने की कोशिश में अहलकारों के साथ धक्कम्पे। मालगाड़ी के डीरेल होने का मामला कराची और कोयटा से लाहौराने और जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल तीसरे रोज भी मुतासिर रहा। रेलवे इंतजामिया ने कराची एक्सप्रेस को मंसूख कर दिया। अवाम एक्सप्रेस 13 शाह हुसैन ट्रेन 1 घंटा ताखिर का शिकार। अकबर एक्सप्रेस 3 घंटे जबकि जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे लेट। कराक्रम एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट की ताखिर से लाहौर पहुंचेगी। मुसाफिरों को अजियत का सामना, रात भी रेलवे स्टेशन पर गुजारी। सड़कों पर बच्चों को लेकर भीख मांगने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। महकमा दाखिला ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन मुतारिफ करवा दी। शहरी भीख मांगने वाले बच्चे देखें तो 1121 पर फौरी कॉल करें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जेर सदारत इजलास में अहम फैसला। बहत्तरवें पंजाब गेम्स का आज दूसरा रोज। 2000 से जायद खिलाड़ी 185 मुकाबलों में शरीक। पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, बॉडी बिल्डिंग और कबड्डी के मुकाबले। निश्तर पार्क जिमनेजियम में टेबल टेनिस, कराटे और बैडमिंटन का खेल जारी। ख्वाजा सराबी रस्साकशी 1 लेग रेस के मुकाबलों में अपनी जान लड़ाएंगे। रिसर्च के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजिम करार। कनेर कॉलेज में बैन अवी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस अख्ताम पजीर। माहरीन के तालबात को खसूसी लेक्चर। कमर्शलाइजेशन के लिए लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का मशवरा। शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए तमाम इदारे मुतहरी। कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर की जानिब से आगाही वॉक का अहतमाम। रिहायशियों समेत ताजरान को सफाई सुथराई से मुतालिक आगाही दी गई। सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड इमरान गुलजार बोरे के माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और डिप्रेशन में किए गए फैसले गलत साबित होते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनकर कहते हैं कि हमें पायलट बनना चाहिए था। लोगों में कुछ करने की लगन है मगर टैलेंट नहीं होता। लाइफ कोच डॉक्टर शाबाना मुफ्ती की प्रोग्राम जागो लाहौर में गुफ्तगू।